फाइंड करना है तो वोल्ट मीटर से गैल्वेनोमीटर को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम लोग गैल्वेनोमीटर के समांतर में नहीं, अब किसमें श्रेणी क्रम में, अगर यदि उच्च प्रतिरोध को, किसको, उसमें आमीटर में क्या किए थे, निम्न प्रतिरोध को, और इसमें क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध को जोड़ देंगे, ठीक है, और उसका जो स्केल है उसको किसमें अंकित कर देंगे, वोल्ट में अंकित कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा वोल्ट मीटर बन जाएगा। मतलब किसी भी गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में, गैल्वेनोमीटर के साथ किसमें श्रेणी क्रम में, काफी उच्च प्रतिरोध को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उच्च प्रतिरोध मतलब समझे, हाई रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इसका जो पठन है वो किसमें हम लोग इंडिकेट कर देंगे, वी में, वोल्ट में कर देंगे, वोल्ट मीटर में। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। समझे बात को, चलिए लिखिए इसका डेफिनेशन, जो बोले उसी बात को लिखना। देखिए, किसी गैल्वेनोमीटर के साथ किसी गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज मतलब क्या हो गया, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, और इसके स्केल को वोल्ट में अंकित कर दिया जाता है। किसमें, वोल्ट में अंकित कर दिया जाता है, तब वह वोल्ट मीटर में बदल जाता है। तब वह किसमें बदल जाता है, वोल्ट मीटर में बदल जाता है। अब देखिए, मान लीजिए इसका टोटल पोटेंशियल क्या है, वी से ए से यहां तक क्या है, वी है, और इसका जो भी पोटेंशियल है यहां से यहां तक का पोटेंशियल क्या है, वी जी है, कितना है, वी जी है। तो इसका पोटेंशियल यहां से यहां कितना होगा बताइए, तो इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल यहां से यहां कितना होगा, टोटल वी है और इसका क्या होगा, वी माइनस वी जी होगा ना, ये होगा ना इसका पोटेंशियल। इसका मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल क्या है, वी है, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी जी होगा। यहां पर लिखिए, यदि जी बराबर क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, यही है ना, जी बराबर क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, और आर बराबर क्या है, उच्च प्रतिरोध, हाई रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, उच्च प्रतिरोध है। और देखिए यहां पर वी जी क्या है बताइए, तो वी जी आपका क्या है, वी जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वी जी बराबर क्या है, गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, और वी बराबर क्या है, जिस वोल्ट को हमको मापना है, मतलब जिसे हमें मापना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए प्रवाहित, अब इसमें क्या चीज समान होगा बबुआ, प्रवाहित होने वाली धारा समान होगी, क्योंकि जितना इससे जाएगा उतना ही इससे जाएगा, तो मतलब जी से प्रवाहित होने वाली धारा बराबर आर से प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर होगा। मतलब जी से प्रवाहित धारा बराबर क्या होगा, आर से प्रवाहित धारा। तो जी से आई बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, आई आर, तो यहां पर आई बराबर क्या होगा, वी बटा आर। तो इसका देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी जी, और इसका रेसिस्टेंस क्या है, जी, इसका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वी माइनस वी जी बटा आर। अब यहां पर ये हो गया, अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं बताइए, तो आप ही लोग, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आर बराबर अगर निकालना हमको तो क्या करेंगे, आर बराबर अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसको कोना कोनी गुना कीजिए, आर आर वी जी हो जाएगा, बराबर क्या होगा, वी माइनस वी जी इंटू जी। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, वी माइनस वी जी बटा इंटू जी, बट इंटू यहाँ पर क्या होगा, वी जी। अब सबको अलग अलग कर दीजिए,
यहाँ क्या होगा, वी बाय वी जी माइनस वन इंटू जी। अब यहाँ देखिए एक चीज और आप याद रखिएगा, वी जी बराबर क्या होता है, वी जी बराबर क्या होगा, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए तो, यहाँ वी जी बराबर क्या होगा, आई इंटू धारा, इसे कौन धारा, आई, दोनों से समान धारा धारा, और इसका आई जी अपॉन क्या होगा, जी होगा। बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना, बी बराबर आई आर, आई कौन जा रहा है, आई जी, और जी क्या हो गया, किलोमीटर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर यदि हम लोग वी जी के बदले में क्या बैठा दें, उसको बैठा सकते हैं, वी जी के बदले में आई जी को बैठा दीजिए, तो यहाँ क्या होगा बताइए तो, आर बराबर क्या होगा, वी बाय वी जी के बदले में क्या बैठाएंगे, आई जी इंटू जी माइनस वन इंटू क्या होगा, जी होगा। अब यहां से देखिए R बराबर क्या होगा बताइए तो, G से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो G से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वी जी, जी जी कट जाएगा, वी बाय आई जी माइनस जी, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला, R बराबर एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके चले गए, R बराबर G से गुना करेंगे तो ये जी जी ऊपर नीचे कट जाएगा ना, इसमें क्या बचेगा, वन से जी को गुना करेंगे तो ये आ गया, जल्दी से लिखिए, देखिए फिगर में आप लोग यहाँ बना दिए होंगे, ये हम आपको इंडिकेट करने के लिए बताए थे, ठीक है, लेकिन वहां पर वो उसको बनाना नहीं है, उसको कट कर देना है, क्योंकि यहाँ हम तो ये बोल्ट जो लगाए थे ये यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि अश्विनी क्रम में हो जाता है, इसको हमेशा किसमें लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, पैरेलल में, ये बात याद रखिएगा, अगर ये फिगर बनाए तो उसको फिगर में थोड़ा सा डिसमिस्ड कर दीजिएगा, ठीक है, तो लिखिए, क्योंकि वोल्ट मीटर के द्वारा, देखिए वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग किसको मापते हैं, परिपथ में ऊपर विभवांतर को मापते हैं, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापते हैं, तो इसका ये दोनों विभवांतर, ये बिंदु है और ये बिंदु, इन्हीं के बीच का विभवांतर मापना है, तब ने इसको वी जी लिए और इसको वी माइनस जी लिए, तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये मान लीजिए बी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे, चलिए लिखिए बात को, देखिए चूंकि वोल्ट मीटर के द्वारा, चूंकि वोल्ट मीटर के द्वारा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, इसलिए इसे इन दोनों बिंदुओं से जुड़ा होना चाहिए, इसलिए इसे इन दोनों बिंदुओं से जुड़ा होना चाहिए, बिंदुओं से जुड़ा होना चाहिए जिसके लिए इसे परिपथ में, जिसके लिए इसे परिपथ में, जिसके लिए इसे परिपथ में समांतर में जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है, देखिए समांतर में इससे कोई धारा प्रवाहित ना हो, उसी में कितना आता है, उसी में समांतर में इससे कोई धारा प्रवाहित ना हो, समांतर में इससे कोई धारा प्रवाहित ना हो इसके लिए इसका प्रतिरोध अनंत लिया जाता है, इसके लिए इसका प्रतिरोध क्या लिया जाता है, अनंत लिया जाता है। आपको पूछेगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है बबुआ, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव हो गया, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, आपको देख सुनने से यह क्वेश्चन लग रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लग रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए पता लग गया था, अब नोट लिखिए, नोट में एगो नोट है, इसको लिख लीजिए, दो को नोट को लिख लीजिए आसानी से, लिखिए वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाया
जा सकता है लेकिन इसके रेंज को घटाया नहीं जा सकता है। वोल्टमीटर के रेंज को बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। दूसरा लिखिए, रेंज बढ़ने के साथ साथ वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी बढ़ता है। रेंज बढ़ने के साथ साथ वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी बढ़ता है।